গুতাগুতি করবে না ভাই। डाइवर्सिटी के बारे में बताया है, क्या इंगित आपको मिल रहा है? नहीं देखिए, जब भी कोई राष्ट्रीय मामला होता है, राष्ट्रीय हित की मामला होता है, उसमें कोई बात देश के पक्ष में बोलना पड़ता है जोर शोर से, तब ममता बनर्जी मौन बन जाती हैं। आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, पुलवामा का घटना देखिए, या तो एयर स्ट्राइक, जब भी देश का कोई गौरव का मुहूर्त आता है, सम्मान का समय आता है, उस समय ममता बनर्जी चुप रहती है। और राम मंदिर देश के नहीं, दुनिया के हिंदू और राम भक्तों के लिए आज बड़ा गर्व का दिन है। 500 साल से जो लगातार लड़ाई और बलिदान चल रहा था, उसका परिणाम आया है और महामहिम महामान्य अदालत ने इसका निर्णय दिया है, लोगों ने उसको माना है, कोई विरोध में नहीं है। इस गर्व का मुहूर्त में चीफ मिनिस्टर चुप हो जाती है, इसका मतलब सोचना पड़ेगा डाल में कुछ काला है। वो कह रही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने इंगित है कि ये राम मंदिर करके ये सब नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा। क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देश की जनता जो चाहती है, जिसके लिए लोग सैकड़ों साल से लाखों लोग बलिदान दिए हुए हैं, उसके पीछे लोगों की जो आवेग है, जो उच्छ्वास है, उसको स्वीकृति देना चाहिए। अगर एक शासक होकर के लोगों का आवेग के साथ नहीं मिल पाती हैं, तो मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपने खुद कहा था कि आपने खुद जो है स्टेट को रिक्वेस्ट किया था कि कंप्लीट लॉकडाउन का डेट जो है उसको अल्टर किया जाए, तो लेकिन आज तो कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, जबकि सरकार ने निर्णय लिया है, हम निर्णय बदलने के लिए उनके पास निवेदन किया था कि देश की जनता की जो आवेग है, जो इच्छा है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक दिन में, गौरवमय दिन में लोग उत्सव मनाना चाहते हैं, भगवान राम का पूजन के माध्यम से मंदिर निर्माण का काम और निर्विघ्न हो, इसलिए पूजा पाठ यज्ञ हवन करना चाहते हैं, इसीलिए लॉकडाउन आर उज्जव किया जाए, दूसरा किस दिन लगाया जाए। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती लगाया, हमने लॉकडाउन को मानते हुए भी अपना उत्सव मनाया, मंदिरों में पूजा पाठ हुआ, वहाँ भी बाधा लगा, मंदिर से भक्तों को पुलिस ने उठा के ले गया, कई कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। कई जगह राम मंदिर जो सेंट्रल एवेन्यू में है, वहाँ राम मंदिर को पर्दा से घेर दिया गया, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। खड़गपुर में राम मंदिर के चारों तरफ पुलिस पोस्टिंग किया गया है कि कोई राम भक्त अंदर ना प्रवेश कर सके। इस प्रकार परिस्थिति हिंदुस्तान में अभी